हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, लेकिन कॉलम की विड्थ छोटी होने के चलते ये बाहर निकल जा रहा है और हम चाहते हैं कि ये नीचे आ जाए। ये विड्थ बड़ी ना हो लेकिन हाइट इसकी बड़ी हो जाए। आप रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमें रैप टेक्स्ट का यूज करना नहीं है, हमें शॉर्टकट की का यूज करना है। और वो शॉर्टकट की क्या है आइए आपको बताता हूं। यहां पर कर्सर को रख लीजिए और आपको प्रेस करना है अल्ट। और क्या प्रेस करना है? अल्ट के साथ आपको प्रेस करना है एंटर। तो जैसे ही अल्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा रिसाइज हो जाएगा। इट मींस कि ये जो ऊंचाई है, हाइट है, वो रो की बढ़ जाएगी। इसी तरह से यहां पर मैं लिखता हूं, लाइक मैंने लिखा अवनीश कुमार सिंह, SINGH। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये बाहर निकलता हुआ सा दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, कर्सर को यहां पर रखता हूं, ठीक है, और अब हमें अल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। तो ये देख पाएंगे कि ये फिर से रैप टेक्स्ट हो गया, इट मींस कि ये नीचे आ गया है। तो ये एक कमाल की टेक्निक है जिससे अगर कुछ इस तरह की जरूरत आपको पड़ती है तो आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।